नमस्कार, एसएफएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ वो महान शख्सियत मौजूद हैं, प्रोफेसर विवेक कुमार, जो किसी नाम और तारीफ के मोहताज नहीं। प्रोफेसर साहब, आपके हमारे चैनल पे स्वागत है। पहले तो धन्यवाद असम चैनल को। प्रोफेसर साहब, आज जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर जो मीटिंग्स हुई है बहुजन बॉलीवुड, क्या लगता है इससे कि कितनी सफलता आ पाएगी, बहुजन समाज के लोगों में कितनी जागृति आ पाएगी, क्या ये सक्सेस प्लेटफॉर्म रहेगा, उसके बारे में बताएं। आपने सुंदर जी सबसे अच्छी बात ये पूछी कि क्या वास्तविकता में यह समाज के विकास में कोई कंट्रीब्यूशन करेगा या नहीं। तो मुझे लगता है कि एक नई पहल है। इससे पहले आपने देखा होगा कि किसी भी तरह से ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जहां पर हमारे कलाकार, हमारे लेखक, हमारे गायक, हमारे स्क्रिप्ट राइटर्स वो सब आकर के और समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। दूसरी तरफ हमारे समाज का जो इतिहास है उसको नेस्तनाबूद किया गया। हमारे नायक नायिकाओं को कभी भी उस सोलोलॉइड पर 60 mm 70 mm पर नहीं लाया गया। तो मुझे लगता है एक नई पहल है, और अगर वो नायक नायिकाएं, चाहे ज्योतिबा फुले हों, चाहे नारायणा गुरु हों, चाहे पेरियार हों, चाहे बाबा साहेब हों, ज्योतिबा फुले के साथ साथ सावित्री बाई फुले, ये सब अगर होते हैं, फातिमा शेख जैसे लोग जिन्होंने ज्योतिबा फुले वगैरह के आंदोलन को बढ़ता का कंट्रीब्यूट किया, मान्यवर कांशीराम जिन्होंने कारवां को आगे बढ़ाया, अगर इस प्रकार के नायक नायिकाएं सेलुलॉइड पर आते हैं तो समाज की संस्कृति को, समाज की जो कहानी है जो बिसरा दी गई है, भुला दी गई है, उसको फिर से एक बार पुनः जागृत होने का मौका मिलेगा और एक तरह से नव जागरण की शुरुआत हो सकती है। तो इसलिए बहुत ही ऐतिहासिक कदम है उस प्रकार से देखा जाए तो। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।